सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आकृति और ये चैनल नंबर 93.5 योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहाँ टीवी की दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं पहुंच जाती हूँ. बट आज जो हुआ है वो आई एम सो एक्साइटेड. मेरी एनर्जी आपको साफ दिखाई दे रही होगी. मैं बहुत दिनों से भीजे बढ़ी थी यार. आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर हर लाइफ. मतलब शिल्पा कम ऑन माई शो ना. शिल्पा कम ऑन माई शो ना. शिल्पा शिल्पा यू हैव टू गिव मी द कॉन्टेंट. शिल्पा नो बडी कैन अंडरस्टैंड बिग बॉस द वे यू डू बिकॉज बिग बॉस खेलने का एक तरीका होता है. वो अलग एक तरीके का एग्जाम्पल शिल्पा शिंदे ने लास्ट ईयर रख दिया कि हर समय चिल्लाने का नहीं होता है, मगर देख करने का होता है. उसमें भी स्टाइल होने का होता है. ये नहीं कि आप यो जस्ट चाउटिंग पागल की तरह. चीखने का भी एक तरीका होता है और कब कैसे बैंड बजाना है अरे उसका भी तरीका होता है. सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू कॉपी हर व्हिच इज नॉट हैपनिंग. इट्स अ बैड सैड कॉपी. वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. सो लेट मी वेलकम शिल्पा शिंदे. थैंक यू आकृति. सो हैप्पी टू सी यू. बड़ा मजा आ रहा है. दया हम क्या बोले. हाय दया. अयो सही पकड़े हैं. सही पकड़े आज आप. सही पकड़े हैं. आज सही पकड़े हैं. बस अब जो आए हैं तो अब तो हम बतिया के जाएंगे. सो सबसे पहले शिल्पा सीजन किस लेवल पर अभी देखा है. सीजन में मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम दिवाली पे बॉम्ब रख के आए हैं, जैसे कहा था कि शिल्पा आग लगा के आ गई, तो चैनल का स्पेशली था कि शिल्पा लगा के आ गई है आग. तो लगता है अभी आग लग रही है बिग बॉस में जो एक्चुअली होनी चाहिए. तो अभी मजा आ रहा है मुझे देखने के लिए. रिलीजियसली वॉच कर रहे हो मतलब. एक्चुअली एकदम मतलब हर सीन और रिकॉर्डिंग भी होता है रिवाइंड करके क्योंकि सबकी बजानी है ना. अनअपोलोजेटिक शिल्पा ये होना चाहिए आज का टैगलाइन. अनअपोलोजेटिक शिल्पा बोलेगी मैं बोलेगी बिल्कुल. सो हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट. श्रीशांत ऑब्वियसली. मतलब श्रीशांत की आपको क्या लगता है की स्ट्रैटेजी क्या है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है. I'm upset. Big Boss, no. This is not the right show. I'm gonna go home. मतलब वो जो उसका तकिया गलाम है मुझे अभी आएगा. अभी आएगा. अभी he is upset. अभी बोलेगा मैं घर जा रहा हूँ. मुझे घर जाना है. Big Boss, मुझे घर जाना है. मतलब I just love him. And next moment, Big Boss, you're legend. Big Boss, you're too good. Big Boss, मुझे अगले साल भी बुलाओ. मतलब वो जो shades है ना. हाँ, he said that. Yeah. Big Boss, I just love the show. मुझे अगले साल भी बुलाओ. And next moment कुछ हो जाता है. Worst show. Worst show. तो वो चीज जो है ना एक्चुअली ही इज फनी. एक्चुअली वो फनी लगते हैं. और अगर उनकी जो लैंग्वेज है जिस तरीके से वो बात करते हैं ही इज कंप्लीट मतलब एंटरटेनमेंट पैकेज है वो. सो श्री का गेम लोगों को समझ नहीं आ रहा. डू यू एग्री टू दैट. समझ में नहीं आ रहा है. एक्चुअली क्या होता है ना, घर के लोगों की बात कर रही हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा है. एक्चुअली काफी अच्छे से समझ में आ रहा है. आ रहा है? हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक फर्स्ट डे ही देख के सबको समझ में आ गया था कि वो क्या है, उनकी क्या पर्सनालिटी है और बाहर क्या एक ऑरा है. और उस हिसाब से शायद कुछ लोग बहुत चिपक के बैठ गए. उनको जो चिपक के बैठे हैं कि एक मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे एक होता है ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी नेक्स्ट क्या करोगी, ये क्या करोगी, कहाँ जाओगी, और इस तरह की बातें तुमसे लेकर बेसिकली होती है तुम्हारी दुश्मन. तो वैसे चीजें मुझे श्री के साथ दिख रही है. मतलब आई एम सो सरप्राइज कि जैसे ही श्री के साथ पैचअप हो गया बेचारे करणवीर को वो भूल गई दीपिका. कम्प्लीटली कम्प्लीटली वो भूल गई. और गंदा किनारा किया है. हाँ गंदा किनारा किया है. अंधेरा है लिटरली. He also मतलब अंडरस्टैंड कि ये क्या हो गया. मतलब उसने भी स्टार्ट किया कि मुझे तो एकदम साइड ही कर दिया. साइड मतलब वो कॉमनर्स से भी बदतर हो गया. कम्प्लीटली वेरी बैड. और इंटरनली सारे मतलब इट्स सो फनी कि आप यू नो ही इज वन ऑफ द फ्रेटर्निटी. एग्जैक्टली. ठीक है मतलब ठीक है घर में सब एक है बट स्टिल ही इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डेफिनेटली ही हैज गुड फैन फॉलोइंग. यू कांट बी डूइंग दिस टू हिम. Do you really believe KV को गेम समझ नहीं आ रहा है. मैंने टीजे को भी पूछा था. टीजे तो कह रही है कि मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं उसको बोलूं लिसन यू शुड बी प्लेइंग दिस गेम. आई शुड बी प्लेइंग दिस गेम. आई विल पुल यू आउट. शी इज सो क्यूट. आई थिंक शी स्टॉप वॉचिंग. शी इज गॉट. मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू वॉच. हाँ हाँ शी इज गॉटन इनटू अ वेरी ब्लास जोन. शी इज लाइक कि क्या हो रहा है. एंड शी इज लाइक कि केवी नहीं मुझे खेलना चाहिए था. हाँ वो तो
ओपन लेटर के बाद पता चला मुझे कि उनको खेलना चाहिए था. एक्चुअली शी सेड कि मैं जाके उसको बोलना चाहती है कि तुम आगे बच्चे संभालो मैं खेलूंगी. क्लैप्स फॉर हर. सीरियसली नो आई थिंक दोज एक्टर्स ना थोड़ा सा अपनी इमेज को उनको लगता है कि हार्म ना हो. जितनी भी बाहर इस चक्कर में जितनी फैन फॉलोइंग बाहर है वो भी ना चली जाए. तो वही वो रियल होना एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रियलिटी शो रियल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. जो हमारे वक्त के सीजन में था सारे मतलब इमोशनल थे लोग. जहाँ वाइल्ड हुए हैं वाइल्ड भी हुए हैं हर चीज थी. यहाँ पर क्या है ना एक एक शैल में एक एक अलग अपनी इमेज बाहर नहीं निकाल रहे हैं इस तरह से लग रहा है. तो वो एक ही बंदा है जिसने अपने सारे शेड्स दिखाया है वो है श्रीशांत. सबसे अच्छी बात है कि अनअपोलॉजेटिक उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा. कोई फर्क नहीं पड़ा. आई जस्ट लव हिम यस्टरडे लाइक सॉरी हेलो सॉरी सॉरी मतलब सारी सारा घर उनके अगेंस्ट है कि सॉरी बोलो सॉरी बोलो. एंड फ्रंट ऑफ मतलब वीकेंड के वार में ही सेड ओके आई एम सॉरी. ठीक है अगर मैंने बोला है तो सॉरी. और क्या घर में क्या मतलब हो क्या रहा है मतलब कोई किसी का ऐसे एकदम पलटी मारते हैं. मतलब आज पता है अभी मैं बिग बॉस को समझ पा रही हूँ एग्जैक्टली घर के लोग करते क्या है. बिकॉज मैं जब अंदर थी तो मैंने थोड़ी ना देखा था. ऑब्वियसली नॉट. या मैंने देखा नहीं कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है. तो अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ. अब मुझे एग्जैक्टली लग रहा है कि मैं घर के अंदर हूँ. प्रेडिक्शन हो पाता है कई बार ऐसा हुआ है व्हेन यू हैव सीन द एपिसोड एंड यू नो कि अब ये वाला ये करने वाला है. हाँ हाँ पता चलता है क्योंकि उनके जो मोमेंट होते हैं जिस तरीके से मेघा ने किया था. मेघा धाड़े जो धड़क के आ गई थी. आई एम नॉट सेइंग कि बाकी के सारे कंटेस्टेंट वीक थे या ऐसे नहीं था. डेफिनेटली मेघा बहुत स्टडी करके गई थी उसके मराठी बिग बॉस में. और उसके लिए वही था कि आप स्टडी करने के बाद भी उसको पेपर पे उतारना इट्स नॉट इजी. जैसे काफी लोगों ने बिग बॉस देखा हुआ है लेकिन एज इट इज उसको करना अगर एक्ट बोलो या जो भी इट्स डिफिकल्ट. और उस हिसाब से मेघा ने वो किया तो वो बिना बनी. सीरियसली आई डोंट नो हर इन रियल लाइफ. लेकिन जो मैं बिग बॉस देख रही थी मराठी ऑब्वियसली उस हिसाब से कोई वैसे कंटेस्टेंट था ही नहीं. कंटेंडर जो भी थे ना वो बहुत वीक थे. उनको गेम ही नहीं समझ में आ रही थी एंटरटेनमेंट के हिसाब से कि हमें क्या करना चाहिए. उनको नहीं वो भी अपनी इमेज संभाल के थे. तो शी वॉज गुड इन दैट. बट इधर तो आई ना उसका कोई स्क्रीन प्रेजेंस है नहीं रियली. एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस हियर आल्सो ना स्क्रीन प्रेजेंस है. जो चिकन चिल्ली अग्रेशन का फाइट गेम खेलने की कोशिश है इट्स सो पासे. Exactly. या तो अग्रेशन का गेम खेला है देन हैव अ लेवल अप लाइक श्री इज प्लेइंग अग्रेशन गेम बट देन उसके आसपास भी कोरियोग्राफी है. बाहर आ जाएंगे ना तो सर पटकेंगे वो अपना मतलब हमने क्या कर दिया और हम क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे. सबसे पहले मुझे लगता है दीपिका सर पटकने बहुत बिकॉज जो बोरियत आई थिंक वो मक्खी सही थी. मक्खी मक्खी थी ना वो अपने कलर से. बहुत सही था बेस्ट था आई थिंक. सीरियसली मंकी कैरेक्टर किया है तो आई थिंक आप इसी कैरेक्टर के लिए. कल मैंने सुना कि श्री ने मार दिया किसी को सपोज. मैंने कहा वो बंदा ऐसे नहीं मारेगा. वो है वो किस कहीं और से आया हुआ है. आप उसकी स्टाइल समझो लाइफ स्टाइल समझो. ही वॉज इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट खेल चुके हैं. हर चीज बहुत खुलेआम होती है. लोगों को वही समझ में नहीं आता. एंड आकृति आई मस्ट टेल यू दिस कि मुझे कहीं से पता चला एक बार मेरी उनकी वाइफ से बात हुई थी. शी इज वेरी स्वीट. दे आर वेरी सिंपल पीपल. लाइक उन्होंने अपने सारे अकाउंट बंद कर दिए हैं. पासवर्ड चेंज कर दिया. उनकी वाइफ ने अभी अकाउंट खोला और वो ऑपरेट कर रही है. उन्होंने कोई प्यार नहीं रखा कि कुछ नहीं बस मैं घर के अंदर जा रहा हूँ मैं जैसा हूँ वैसा करूँगा. सेम सेम मैं अपने आप को देख रही हूँ. और वो बहुत सिंपल है. वो बहुत जो है वो है. नहीं बोलूँगा सॉरी. हाँ मैं सॉरी बोलूँगा. हाँ पैचअप हो गया पैचअप. मतलब वो चीजें रबर बैंड की तरह खींचो मत. तो घर के लोगों को लगता है फ्लिप हो गया. तो मतलब रबर बैंड की तरह खींचते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो बस. और श्री का वही है. मैंने वही देखा कि वो बहुत
उनके लिए मैं भी अंदर गई थी, मैं उन्हें समझा रही थी, बात करके बोले बच्चे है ये, मतलब सीरियसली बच्चे है. रोहित सुशांत ही आई सेड द वे ही स्पोक टू यू लाइक इन दैट वीकेंड का वार के मैं दाढ़ी के बाल निकाल के मतलब समथिंग बहुत गंदी तरीके से बात की थी, सर आपने सुन लिया, हेड्स ऑफ टू यू द वे यू वर जस्ट सिटिंग लाइक दिस वे. सो ही सेड बच्चे है, खेलने दो, उनका टाइम है. And I just looked at him. I said, he's so, मतलब इतनी इतनी लाइफ में चीजें देखने के बाद ना इंसान अपने आप ऐसे ही मैच्योर्ड हो जाता है. और उस हिसाब से घर के लोगों को मतलब वेरी सरप्राइज कि उनको समझ में वो आ रहा है, लेकिन वो जो घर की स्ट्रेटेजी जो होती है ना कि एक्चुअली जो स्ट्रांग बंदा है उसको ऐसे डोमिनेट करो, ऐसे यही हरकतें करके वो घर के बाहर चले जाए. वो है एक्चुअली सब उनसे डर रहे क्योंकि अभी सबको पता है कि ही इज अ विनर. हां, आई मोर ऑर लेस सबको समझ में आ गया है कि ही इज गोइंग टू टेक द ट्रॉफी होम फॉर श्योर. बट पता है मेरे को एक चीज पता लगी अंदर, मतलब आई डोंट नो हाउ ट्रू हाउ व्हाटएवर, पता लगा कि श्री मतलब जो दिखता है वो दिखता है. श्री इज वेरी अग्रेसिव गेम तक तो ठीक है, बट ही सेज थिंग्स लाइक कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो मेरे साथ खड़े भी नहीं हो सकते, तुम्हारे कपड़े देखे, मेरे 5,000 का जैकेट है, 200 रुपए के लोखंड वाले के कपड़े पहन के, यू नो दैट काइंड ऑफ, दैट्स व्हाट आई गॉट टू. नो नो सी, जो जो गेम है वो जो गेम है, जो जिस तरीके से घर पे आप सोचो ना कि आप कहीं से आप एक बार श्री ने बोला था कि आपको तो मुझसे बाहर आके मिलना मुझसे, तो बोला नहीं आपको तो मिलने भी नहीं देंगे मुझसे. ऐसा कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता. मैं इन चीजों से गई हूं तो कभी कभी दिल में होता है ना कि हमें खुद को हर्ट ना हो, इसलिए मैं सामने वाले को कितना गिरा के बोलूं. ही वाजंट मीन, मतलब एकदम बहुत दिल से नहीं, बट यार तुम्हारी औकात ही नहीं है. पता है मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. उसको उस वक्त उसे खुद हर्ट नहीं होना होता है. ये मेरी साइकोलॉजी, मतलब जो वो इंसान है वो ऐसा नहीं है, ही इज वेरी काइंड पर्सन. मतलब मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी, मैं एक BCL हम आई नो दिस शो. तो हम जब अहमदाबाद टीम से श्री वहां पे टीम के वो हेड थे, मतलब ऑब्वियसली ही वाज फेस ऑफ दैट अहमदाबाद टीम, और वो खेल लेते, मैंने उन्हें खुद देखा था उस वक्त, और मैंने आधे घंटे में हर चीज ज़ूम कर ली. वो लिफ्ट में आए और हम लड़कियां 3-4 लिफ्ट में थी, तो हम देख रहे थे कि आई कॉन्टेक्ट हो, हम उनको हाई करें. नो ही वॉज लाइक दिस, और साथ में उसके दो लोग थे, मैं 1 hour के लिए हूँ, जो भी है खत्म करना, इंटरव्यूज वगैरह खत्म करो वगैरह वगैरह. एंड ही जस्ट वॉक्ड आउट. आई सेड कितना घमंडी है यार, लेफ्ट राइट देख तो लेता, हाई तो बोल लेता, निकल गए. एंड हाफ एन आवर नेक्स्ट मोमेंट कुछ किसी की टी शर्ट के ऊपर कुछ बात हो रही थी, कुछ हो रहा था, अरे टेक माई टी शर्ट ना, टेक इट. तो बोले नहीं श्री आपके मेजरमेंट के बने हुए हैं टी शर्ट. अरे मेरे बने, इसके नहीं बने, टेक मेरा टी शर्ट ले लो, पहन लो, बाद में बना देना. एक में क्या थोड़ी हम ग्राउंड पे गेम खेलते हैं. तो ही वाज लाइक दैट, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है ये, इसलिए मैं आज उसको समझ पा रही हूँ. जिस तरह का अंदर गेम है, मतलब बाप रे, आपको बिग बॉस ने बोल दिया अपने लिए खेलो, अपने लिए जीतो, तो क्या आप जान ले लोगे? इतना मतलब इतने मतलब ही बनोगे, वो बहुत अजीब सा लगता है. तो द वे ही सेड ना, एक्चुअली उसका वो नहीं, एक तो पहले तो उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है. I agree to this one. और मैंने काफी एक्स्ट्रा डोज वगैरह देखे हुए थे कि वो यू नो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह से वर्कआउट कर रहे हैं, और यू नो सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. तो इट्स वेरी नाइस यार, मतलब जिस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल है, बड़ी अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं वहाँ देखने में. बजाते रहो.